डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। देख लीजिएगा क्या है आज का हमारा टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। देखो बेटा क्या कहती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहले तो किसने दी थी, दिस थ्योरी वॉज पुट फॉरवर्ड बाय, दिस थ्योरी वॉज पुट फॉरवर्ड बाय जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल इन 1864। कब दी थी ये जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने, 1864 में। अब देख लीजिएगा, द मेन पॉइंट्स ऑफ द थ्योरी आर, ये जो आपकी थ्योरी है इसके मेन पोस्टुलेट क्या हैं, जरा अब हम उनके ऊपर फोकस करते हैं। तो सबसे पहला और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस थ्योरी का, वो ये है बेटा कि किसी भी सोर्स से जो रेडिएशन इमिट होते हैं, जैसे कि ग्लोइंग बल्ब से इमिट होते हैं या हीटिंग रॉड से जो इमिट होते हैं, वो कंटिन्यूस होते हैं। कंटिन्यूस मीन्स उनकी फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ सेम होती है। तो फिर से सुन लीजिएगा, द एनर्जी इज इमिटेड, देखिएगा बेटा, द एनर्जी इज इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी सोर्स से जो हम एनर्जी इमिट करते हैं वो क्या होती है, ध्यान से सुन लीजिए, एनर्जी इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स, ठीक है कि नहीं। मैंने आपको बता दिया, चाहे वो हीटिंग रॉड हो या फिर आपका ग्लोइंग बल्ब हो, ठीक है कि नहीं, कैसे होती है, फ्रॉम एनी सोर्स कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली, क्लियर हो गया बेटा, कंटिन्यूसली होती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ध्यान से सुनिएगा बेटा, दोबारा कह रही हूं कि किसी भी सोर्स से जो रेडिएशन इमिट होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं। कंटिन्यूस का मतलब उनकी वेवलेंथ और उनकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है बेटा, सेम होती है। क्लियर हो गया, चलेगा। अब जरा हम सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, क्या है मेन पॉइंट इस थ्योरी का। देखो बेटा, इसके बाद आप प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ोगे, तो आप पढ़ोगे वो थ्योरी बताएगी कि किसी भी सोर्स से जो रेडिएशन इमिट होते हैं वो कॉन्टिन्यूस नहीं डिसकॉन्टिन्यूस होते हैं, ठीक है कि नहीं। वो आपको प्लैंक क्वांटम थ्योरी बताएगी, पर वेव थ्योरी कहती है कि किसी भी सोर्स से निकलने वाले रेडिएशन आपके कंटिन्यूस होते हैं, मीन्स हैविंग सेम वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी। क्लियर हो गया बेटा, अब ध्यान से सुनिएगा, सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जो रेडिएशन निकले किसी भी सोर्स से, द रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। वो रेडिएशन किसके साथ एसोसिएट करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक एंड, ध्यान से सुनिएगा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ऑस्किलेट करते हैं किस, क्या, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। देखिएगा बेटा, जो रेडिएशन आपके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ एसोसिएट करते हैं वो एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर होते हैं, और परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के। देखिएगा कैसे, जैसे सपोज करो ये आपकी मैंने एक्स एक्सिस मानी, ठीक है कि नहीं, और ये आपकी कौन सी ले ली मैंने, वाई एक्सिस ले ली, ये आपकी कौन सी होगी, जेड एक्सिस। तो देखिएगा, आपकी सपोज करो इधर आपकी कौन सी फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर आपकी कौन सी फील्ड है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है कि नहीं, इधर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर आपकी क्या एसोसिएटेड है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और ये आपका वेव का क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो देख लीजिएगा, जो आपका रेडिएशन है, ठीक है कि नहीं, रेडिएशन जो है वो दो तरह की फील्ड से एसोसिएट करता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है कि नहीं, ये दोनों फील्ड एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर होती है, और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है उसके भी क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर।
क्लियर हो गया मेरी बात कि जो वेव वो जो रेडिएशन किसी सोर्स से निकलते हैं वो वेव के फॉर्म में होते हैं आपके, ठीक है। जो रेडिएशन निकले उनके साथ दो तरह की फील्ड एसोसिएट होती हैं, कौन सी? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और ये दोनों फील्ड एक दूसरे के तो परपेंडिकुलर होती ही है, साथ में जिस डायरेक्शन में आपकी वेव प्रोपेगेट कर रही है या रेडिएशन प्रोपेगेट कर रहे हैं उसके भी होती है परपेंडिकुलर। तो ये खासियत होगी, इसीलिए इन वेव्स को कहा जाता है या इन रेडिएशन को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ गए बेटा, इसीलिए इनको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों तरह की फील्ड इनके साथ एसोसिएट करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया बेटा, ये रेडिएशन। तीसरा पॉइंट हम बोलें तो हम बोलेंगे दीज रेडिएशन पजेजेज, कौन सा करेक्टरिस्टिक होता है इन रेडिएशन का? रेडिएशन पजेजेज वेव करेक्टर, इनमें वेव करेक्टर होता है। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट्स, कौन सा करेक्टर होता है? वेव करेक्टर। और ये ट्रैवल करते हैं एंड ट्रैवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, एंड ट्रैवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो आप सबको पता है लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है बेटा, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स आपकी जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो, किसी भी टाइप की हो, उन सब की वेलोसिटी सेम होगी। कितनी होगी? कभी कोई न्यूमेरिकल आए तो जहाँ पर आपको वेलोसिटी पुट करनी हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, तो आप क्या पुट करेंगे बेटा? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया? तो जो किसी भी सोर्स से रेडिएशन, जैसे सन से निकलने वाले जो रेडिएशन है, उनमें वेव करेक्टर होता है, वो ट्रैवल करते हैं विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के। ये जो आपकी वेव्स होती हैं बेटा, इनको प्रोपेगेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है कि नहीं? ध्यान से सुनिए, किसी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देखिएगा, दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। देखो इसका बहुत अच्छा सा एग्जांपल बताऊं, सन की लाइट को हम तक पहुंचने के लिए बीच में, ठीक है कि नहीं, किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। स्पेस से लाइट आपकी हम तक डायरेक्ट पहुंचती है, तो स्पेस क्या है? नॉन मटेरियल मीडियम है। तो मींस इन वेव्स को हम तक पहुंचने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है कि नहीं? जैसे सन की लाइट हम तक पहुंचती है तो थ्रू स्पेस पहुंचती है, ठीक है। तो स्पेस कैसा मीडियम है आपका? नॉन मटेरियल मीडियम। तो बेटा ये मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के। फिर से सुनना इन पॉइंट्स को कि किसी भी सोर्स से जो रेडिएशन इमिट होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं इन द फॉर्म, ध्यान से सुन लीजिए, कंटिन्यूअस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और ये रेडिएशन जो है इनके साथ दो तरह की फील्ड एसोसिएट करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन मीन जिस डायरेक्शन में रेडिएशन चलते हैं उसके भी परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। और इन रेडिएशन में वेव करेक्टर पाया जाता है, इसलिए इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। और ये ट्रैवल करते हैं विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, कितनी? 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। इनको चलने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती प्रोपेगेशन के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे सन की लाइट जो हम तक पहुंचती है वो थ्रू स्पेस पहुंचती है, जो कि आपका नॉन मटेरियल मीडियम है। क्लियर हो गया बेटा? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हो गए। चलिए अब इसके बाद हम जरा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेव, कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में आप जो रेडिएशन या वेव्स के बारे में पढ़ रहे हैं उनके क्या क्या इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो हमारी अगली हेडिंग है बेटा सम इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक, सम इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। तो चलिएगा, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा वेवलेंथ, ठीक है कि नहीं? क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? क्या होती है आपकी वेवलेंथ? चलिए जरा ध्यान से सुन लीजिएगा वेवलेंथ के बारे में। तो वेवलेंथ क्या होती है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच का डिस्टेंस? बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ ऑफ ए वेव,
यहाँ से सुन लीजिएगा बेटा, डिस्टेंस टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का वो आपका कहलाती है वेवलेंथ। देखिएगा जैसे ये मैंने आपका क्या बोलते हैं, एक वेव मैं आपकी बना रही हूँ, देखिएगा ये जा रही है आपकी वेव, देख लीजिएगा बेटा ठीक है कि नहीं। तो देखिएगा ये आपके, ध्यान से देखिएगा बेटा, ये आपके देखो ये जो ऊपर को उठा हुआ पार्ट है ये आपके क्रेस्ट कहलाते हैं, ठीक है कि नहीं। ये भी आपका क्या है, क्रेस्ट, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये आपका ट्रफ कहलाता है, ये भी आपका क्या हो गया, ट्रफ। यहाँ से सुनिएगा बेटा, तो टू सक्सेसिव मतलब लगातार जो दो क्रेस्ट होंगे उनके बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाता है। वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, या दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस जो है वो आपका लैम्डा कहलाता है, दैट इज वेवलेंथ। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। ये एक वेव जा रही है आपकी, क्लियर हो गया बेटा। तो ये फर्स्ट करेक्टरिस्टिक हो गया आपका वेव का। कोई भी अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ते हैं तो उनके अंदर ये करेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं, दैट इज फर्स्ट इज वेव लेंथ। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर वेव लेंथ आपकी एंगस्ट्रॉन में दी हो बेटा, ठीक है कि नहीं, तो आप उसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और आप उसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लियर हो गया भाई। तो जिसमें यूनिट में दी होगी उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर लीजिएगा। चलिए सेकंड करेक्टरिस्टिक की तरफ बढ़ते हैं हम। सेकंड करेक्टरिस्टिक क्या होता है आपका वेव का बेटा, फ्रीक्वेंसी। चलिए सुनते जाइएगा क्या होती है फ्रीक्वेंसी। इसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट वी, दिस इज न्यू। क्या बोलते हैं इसको, न्यू। तो देखो बेटा क्या होता है न्यू, हम कहेंगे द नंबर ऑफ वेव्स, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन वन सेकेंड। एक सेकेंड में किसी पॉइंट से जितनी वेव्स निकल जाती हैं वो आपकी कहलाती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एंड इज एक्सप्रेस्ड इन, किस में एक्सप्रेस करते हैं इसको हम, इज एक्सप्रेस्ड इन, किस में एक्सप्रेस करते हैं, देखिएगा बेटा हर्ट्ज, या तो इसकी यूनिट हर्ट्ज होती है, या फिर साइकिल पर सेकेंड होती है, या फिर सिंपल आप सेकंड इनवर्स बोलते हैं। देखो बेटा फ्रीक्वेंसी क्या होगी, नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय क्या, टाइम, क्या है आपका, सेकंड में, पर सेकंड, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, ठीक है। किसी पॉइंट से जो निकलती हैं दैट इज फ्रीक्वेंसी। जैसे सपोज कीजिए ये हमने पॉइंट ले लिया कोई, ठीक है कि नहीं, ये हमने एक पॉइंट लिया है, इस पॉइंट से, ध्यान से सुनिएगा बेटा, एक सेकंड में, इस पॉइंट से एक सेकंड में आपकी जितनी वेव्स निकल जाएंगी, वन सेकंड के अंदर जितनी वेव्स पास होंगी इस पॉइंट से वो आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन वन सेकंड, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। चलेगा थर्ड की तरफ बढ़ते हैं हम। थर्ड पॉइंट आपका कहलाता है बेटा वेलोसिटी। तो आपको मैंने शुरुआत में ही बताया था कि वेलोसिटी जो होती है वो कोई सा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो सबकी वेलोसिटी आपकी सेम होती है बेटा, ठीक है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्लियर हो गया। तो हम क्या कहेंगे वेलोसिटी की डेफिनेशन, ध्यान से सुन लीजिएगा, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय, क्या होता है ये, द डिस्टेंस ट्रेवल, ध्यान से सुनिएगा बेटा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव इन वन सेकेंड, एक सेकेंड में वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है कि नहीं, दैट इज नोन एज वेलोसिटी। तो आपका क्या आ गया बताइएगा, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपका, टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस आपने किस में ले लिया बताओ, मीटर में, टाइम किस में ले लिया, सेकंड में। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी आपकी, जो आपकी आप लाइट की वेलोसिटी होती है जितने भी इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक रेडिएशन है, कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। पता लग गया ना मीटर पर सेकंड क्यों कहते हैं, कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए वेव इन वन सेकेंड, एक वेव जो है वो वन सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाती है वो उसका कहलाती है वेलोसिटी, या जिसको स्पीड कहते हैं, क्लियर हो गया बेटा। अब देख लीजिएगा ये तीनों एक दूसरे से, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी कैसे कनेक्टेड हैं। आपको पता है वेलोसिटी आपकी, देखो रिलेशन, अब हम पढ़ रहे हैं रिलेशन बिटवीन किसके बीच में, देखिएगा न्यू सी एंड किसके बीच में, लैम्डा के बीच में। तो क्या रिलेशन होता है इन तीनों के बीच में, तो देखो बेटा सी एक कांस्टेंट है जो प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। सी इज ए कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ,
क्या आपका फ्रिक्वेंसी इन टू वेव लेंथ. इट मीन्स क्या हुआ, देखिएगा आपका न्यू इक्वल टू क्या बन जाएगा, सी बाय लैम्डा बन गया आपका. अब देखो अगर आपका लैम्डा क्या करेगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा, लैम्डा अगर आपकी इंक्रीज करेगी तो आपकी न्यू जो है वो डिक्रीज कर जाएगी. समझ गए हैं कि नहीं. लैम्डा अगर आपके, देख लो ये रिलेशनशिप कह रहा है लैम्डा बढ़ेगी तो न्यू घटेगी, तो दोनों के मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, कांस्टेंट. न्यू इनटू लैम्डा दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, और वो कौन से कांस्टेंट के इक्वल होता है, दैट इज वेलोसिटी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के इक्वल होता है. क्लियर हो गया स्टूडेंट्स. तो ये आपको थर्ड करेक्टरिस्टिक बता दिया मैंने किसका, वेव का. चलिए अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं वेलोसिटी के बाद में. देखो यहां पर नोट करके एक पॉइंट और लिख लीजिएगा ताकि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर रहे. क्या, ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बार बार कह रही हूं मैं आपको, ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है बेटा, क्या होते हैं, ट्रैवल विद सेम वेलोसिटी कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो फिर उनमें डिफरेंस किस चीज का होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, दे डिफर फ्रॉम वन अनदर. किस चीज में एक दूसरे से अलग होती हैं बेटा, इन देयर वेवलेंथ, ठीक है बेटा, एक तो उनकी वेवलेंथ में एंड फ्रीक्वेंसी, दो चीजों में वो एक दूसरे से डिफर करती हैं, दैट इज इन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी. सबकी वेलोसिटी क्या होती है, सेम. चलिए अब वेव का अगला करैक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, दैट इज एम्पलीट्यूड. क्या होता है आपका एम्पलीट्यूड, देख लीजिएगा बेटा, एम्पलीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, तो हम कहेंगे द हाइट ऑफ क्रेस्ट, द हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ. हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ठीक है बेटा. क्रेस्ट की हाइट और ट्रफ की डेप्थ, उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड. ये देखिएगा जैसे ये आपकी वेव जा रही है, ठीक है बेटा, क्रेस्ट की हाइट, समझ गए कि नहीं, और ट्रफ की डेप्थ, ये दोनों आपके कहलाते हैं एम्पलीट्यूड. हाइट ऑफ क्रेस्ट एंड डेप्थ ऑफ ट्रफ, दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड, ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसको. क्लियर हो गया, ये आपकी वेव जा रही है, इसकी ये क्रेस्ट की हाइट और ट्रफ की डेप्थ, ये आपकी क्या कहलाएगी बेटा, एम्पलीट्यूड. चलिए एम्पलीट्यूड के बाद हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, आपका फिफ्थ पॉइंट, दैट इज वेव नंबर. क्या होता है आपका वेव नंबर, अच्छे से समझिएगा, वेव नंबर क्या है बेटा आपका, वेव नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू बार. किससे रिप्रेजेंट करते हैं वेव नंबर को, हम न्यू बार से. तो क्या होता है आपका वेव नंबर, देख लीजिएगा बेटा, हम कहते हैं द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ. ध्यान से सुनिएगा बेटा, 1 सेंटीमीटर लेंथ में जितनी आपकी क्या प्रेजेंट होती हैं, वेव्स प्रेजेंट होती हैं, वो कहलाती है आपकी वेव नंबर, ठीक है. इट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, ठीक है बेटा, इट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, ठीक है. तो हम कहें जैसे ये हमने कोई वेव जा रही है, ध्यान से सुनिए, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ है न्यू बार इक्वल टू 1/λ. देखो बेटा लैम्डा होता है क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का डिफरेंस, अगर ये डिफरेंस बड़ा होगा मतलब, तो लैम्डा बड़ी तो वेव नंबर छोटा, वेव नंबर का मतलब 1 सेंटीमीटर की लेंथ में जो वेव्स होंगी वो कम आएंगी, ठीक है. और अगर आपका लैम्डा स्मॉल है, ठीक है, तो जो आपने 1 सेंटीमीटर लेंथ ले रखी होगी उसमें नंबर ऑफ वेव्स आपकी ज्यादा आएंगी, ये मीनिंग है इस चीज का. तो हम कहते हैं न्यू बार इक्वल टू 1/λ. व्हाट इज लैम्डा, वेवलेंथ का रेसिप्रोकल वेव नंबर. वेव नंबर बड़ा तो आपकी वेव नंबर आपका बड़ा तो वेवलेंथ आपकी स्मॉल हो जाएगी, ठीक है कि नहीं. जितनी स्मॉल वेवलेंथ उतनी नंबर ऑफ वेव्स कम पास होंगी, प्रेजेंट होंगी इन 1 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है. दिस इज द बेस ऑफ वेव नंबर,
समझ में आ गया बेटा? लैम्डा बड़ा तो वेव नंबर कम, कम का मतलब जो एक सेंटीमीटर लेंथ में नंबर ऑफ वेव्स हैं उनकी काउंटिंग कम होगी, ये मीनिंग हो गया इस चीज़ का। अगर आप लैम्डा मीटर में लेके चल रहे हैं बेटा, तो न्यू बार आपका आ जाएगा मीटर इनवर्स। क्या जाएगा न्यू बार आपका बेटा? मीटर इनवर्स। ये समझ में आया मैंने क्या बताया? तो देख लीजिएगा, आज मैंने आपको क्या क्या टॉपिक एक्सप्लेन कर दिए हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपको मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बताया, करेक्टरिस्टिक, आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वेव करेक्टर, तो वेव के अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जहाँ पर आपको दिख जाए लैम्डा, वेव लेंथ, वेव नंबर, फ्रिक्वेंसी, ये सारे आपके वेव के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं बेटा, ठीक है कि नहीं। और इनके बेस पर मैंने आपको तीनों में एक रिलेशनशिप भी बताया, क्या? न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा। क्लियर हो गया बेटा? तो ये आपको मैंने एक टॉपिक करा दिया। अब इसके बाद में आप एक टॉपिक और देख लीजिएगा, जरा अच्छे से समझ लीजिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन समझ में आ गए हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? देखो बेटा, अभी आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़े हैं, आपको पता है सबकी वेलोसिटी तो सेम है, क्या अलग अलग होते हैं? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। तो हम बोलेंगे द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। आपने पहले ही पढ़ा था वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, एंड अगर वेवलेंथ इंक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर किसका हो जाएगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बेटा बोलिएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं हम उसे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखिएगा बेटा, तो आपकी कौन से टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, तो देख लीजिएगा। तो हम बोलेंगे द वेवलेंथ इंक्रीजेस इन द फॉलोइंग ऑर्डर। इस ऑर्डर में आपकी वेवलेंथ इंक्रीज करती है, देखिएगा। ये आपका ऑर्डर है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली आपकी होती हैं बेटा कॉस्मिक रेज, ठीक है कि नहीं? कॉस्मिक रेज के बाद आपकी आती हैं कौन सी? गामा रेज के बाद आती हैं आपकी एक्स रेज के बाद आती हैं बेटा यूवी रेज के बाद आपकी आती हैं कौन सी? विजिबल रेज आती हैं। विजिबल के बाद आपकी आती हैं बेटा इन्फ्रारेड आती हैं। इन्फ्रारेड के बाद आपकी आती हैं बेटा माइक्रोवेव, और माइक्रोवेव के बाद आपकी आती हैं बेटा रेडियो वेव, ठीक है कि नहीं? तो अगर कोई आपसे पूछे कि मैक्सिमम वेवलेंथ कौन सी रेडिएशन की है, तो आप बोलोगे मैक्सिमम वेवलेंथ आपकी किसकी है? रेडियो वेव की है। क्लियर हो गया? और इनका क्या है, देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या है, ध्यान से सुनिएगा। दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, और क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। समझ गए? वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर और फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो मैक्सिमम वेवलेंथ रेडियो वेव्स की, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी ये भी आपकी कौन सी वेव की है बेटा? रेडियो वेव की। मैक्सिमम वेवलेंथ भी रेडियो वेव की और मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी रेडियो वेव्स की। और अगर हम बात करें, देखिएगा, कॉस्मिक रेज के बारे में, तो कॉस्मिक रेज का ध्यान से सुनिएगा बेटा। कॉस्मिक रेज की क्या आपकी, देखिएगा, कॉस्मिक रेज जो है इनकी वेवलेंथ कैसी होती है बेटा? वेवलेंथ मिनिमम होती है इनकी, ठीक है। और अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी होती है मैक्सिमम,
चलिए ये चेक कर लीजिएगा, कॉस्मिक रेज वेवलेंथ मिनिमम फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, रेडियो वेव्स मैक्सिमम वेवलेंथ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। किसका बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इस ऑर्डर में अरेंज करना ही कहलाता है क्या आपका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या कहलाता है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो चलिए जी, आज आपका मैंने एक और टॉपिक कंप्लीट कर दिया, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, और उसी से रिलेटेड है आपका क्या बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्लियर हुआ स्टूडेंट? चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।